गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं कुछ बहुत ही जरूरी टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। इन दिनों कई कॉलेजेस में सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और उन्हीं रिजल्ट्स के बेस पर मैंने ये देखा कि बहुत सारे रिजल्ट बहुत खराब गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग हमारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, कॉपीज अच्छी तरह से चेक नहीं हुई है, कॉलेज ने मार्क्स अच्छे नहीं दिए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम कभी खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हैं? क्या हमें खुद की गलतियां पता हैं? बी ऑनेस्ट फॉर इवैल्यूएशन। यहाँ हम हमेशा गच्चा खा जाते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा ब्लेम करते हुए देखा है, कभी भी वो एनालिसिस करते समय खुद को एग्जामिन ही नहीं करते, खुद को झांकते ही नहीं है कि हम में क्या कमी रह गई थी। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो ये रिजल्ट खराब हुए हैं, अब आप अपने रिजल्ट को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कि सब लोग चाहते हैं, अगर आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ प्लान्स की जरूरत है। दिस इज द एक्चुअल नीड ऑफ टाइम। पिछले दो साल के हमारे शेड्यूल पर थोड़ा सा आप अपना गौर फरमाओ। आपकी राइटिंग स्किल्स एकदम डाउन हो चुकी है, नॉलेज आपका खत्म हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुकिश नॉलेज, राइट? टेक्नो नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें आप बहुत इंप्रूव कर गए हैं, इट इज वेरी नाइस, लेकिन आपकी बुकिश नॉलेज जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, वो बहुत कम हो गई है। राइटिंग स्किल्स खत्म हो गई हैं, हम एक दूसरे से बात करना कम कर गए हैं, हम मोबाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, हम अपना टाइम बहुत बर्बाद कर रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ हम कभी भी अपने आइडियाज अपनी स्किल्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, हम उनकी गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं एक्चुअली। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने जो पर्सनैलिटी में देखी है स्टूडेंट्स के, इन सब को देखने के बाद आज मैं ये क्लास देने की सोच रही हूँ कि आपको कुछ थोड़ा सा सही लाइन पे लेके आया जाए। मैं एक छोटा सा एफर्ट कर रही हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये अप्लाई करेंगे, पर ये गारंटी है कि अगर ये अप्लाई करेंगे तो इट विल इम्प्रूव यू इन अ बेटर वे। आज की क्लास का मैंने टाइटल रखा है हाउ टू इम्प्रूव सेमेस्टर रिजल्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट का जो ये प्रॉब्लम है, हमें थोड़ी सी चीजों को फोकस करना होगा, थोड़ा सा चीजों को ध्यान से और सुनना होगा, समझना होगा, अप्लाई करना होगा। आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सब कुछ नहीं आता, अभी आप बहुत छोटे हैं, इमेच्योर हैं, और अभी समझना और सीखना बहुत कुछ बाकी है। तो अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स पर विश्वास रखो, और उन सब की बातों को आप फॉलो करने की आदत डालो, जो कि आप में बहुत खत्म हो गई है। आप अपने आप को द बेस्ट समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, ये जो एटीट्यूड है, ये जो नेगेटिवनेस है, इसको हटाओ और बी पॉजिटिव एंड बी लर्नर, ऑलवेज वी आर इन लर्निंग स्टेज। तो आज कुछ कोशिश कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले इस टाइटल को, यहाँ इम्प्रूव वर्ड जो है इसको मैंने एनसर्किल किया है। मेरा फोकस तो आपके सेमेस्टर रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है, पर आई एम फोकसिंग ऑन द इम्प्रूव वर्ड। क्या होता है इम्प्रूव, पहले ये बात समझ तो लो। इम्प्रूव का मतलब होता है टू मेक मोर यूजफुल, मोर प्रॉफिटेबल एंड मोर वैल्यूएबल। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इतनी कोशिश करना कि वो ज्यादा फायदेमंद हो जाए, ज्यादा उपयोगी हो जाए और ज्यादा मूल्यवान हो जाए। अब क्या मूल्यवान हो जाए, क्या उपयोगी हो जाए, इस पे थोड़ा सा देखना। आप स्टूडेंट लाइफ परस्यू कर रहे हैं, यू आर अ स्टूडेंट। मैं यहाँ पे ये मेक को बात जो कर रही हूँ, क्या चीज बनानी है आपको यूजफुल, तो आपको बनानी है अपनी नॉलेज को यूजफुल, आपको बनाना अपने टाइम को यूजफुल, अपने स्पोर्ट को यूजफुल बनाना है। स्पोर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसको यूजफुल बनाइए। आपको पता बहुत कुछ होता होगा कि मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या ताकत है, लेकिन आप उसको कभी भी एक्सप्लोर ढंग से करते ही नहीं हो। आप यूजफुल बनाइए अपने स्ट्रेस को, हैंडलिंग को। आपको तनाव होता है, आपको एक जो फिजिकल और इमोशनल टेंशन जो आती है, उससे एक जो फील आता है, वो आपको डिस्टर्ब तो करता है, पर आप उसको मैनेज करते हो, आप उसको हैंडल करते हो, नहीं करते हो, तो उसको इम्प्रूव कीजिए। आप अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कीजिए, अपनी अटेंशन को इम्प्रूव कीजिए। आप अपना, आपके पास बहुत एनर्जी है, आपके पास बहुत ध्यान एकाग्रता है, लेकिन आप उस एकाग्रता को कहाँ फोकस कर रहे हो? व्हेन यू आर प्लेइंग द मोबाइल गेम्स, आपका कॉन्सेंट्रेशन देखने लायक होता है, आपका जो हैंड्स और
और आईज का जो कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट होता है इट इज वेरी रिमार्केबल। मैं सच कहती हूँ, अगर हम जैसे लोग अगर किसी मोबाइल गेम को खेलते हैं तो हमारी स्पीड और हमारा उस पे जो रिजल्ट होगा वो आपसे कहीं गुना कम होता है, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर गेम, पर यू पीपल आर वेरी स्मार्ट इन द गेमिंग। तो अपने अटेंशन को, अपनी क्रिएटिवनेस को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को सही जगह इस्तेमाल कीजिए, फोकस कीजिए अपनी एनर्जी को सही तरीके से और स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी कुछ संरचनाएं, अपनी कुछ व्यू रचनाएं, रणनीति प्लान कीजिए। अब आप जब बात करते हैं, ये तो मैंने बताया कि क्या चीज इंप्रूव करनी है आपको, राइट, किस तरह से इंप्रूव करनी है, ये बात अब हम यहाँ करेंगे। अगर आपको अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है तो दो तरह के काम करने पड़ेंगे। एग्जाम से पहले आपको स्ट्रेटजी बनाने पड़ेगी और एग्जाम के दौरान भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैंने आपको एग्जाम के दौरान किन किन बातों को ध्यान रखना है और एग्जाम से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना है, इसके लिए भी एक क्लास पहले दे रखी है। उस क्लास का टाइटल था, मैंने बता दूं आपको, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू ओवरकम द एग्जाम चैलेंजेस, ये नाम से मैंने आपको एक क्लास दे रखी है। आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत 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 फायदा होगा। आई एम रिपीटिंग द टाइटल ऑफ द वीडियो, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू ओवरकम द एग्जाम चैलेंजेस। कोविड के टाइम पे एग्जाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए हमें कई प्लान बनाने पड़े थे। आज भी स्थिति यह है कि कोविड के टाइम पे जो चैलेंजेस थे वो ज्यादा इतने चैलेंजिंग नहीं थे जितने ये कोविड के 2 साल बाद आप अपने नॉलेज को, अपनी परसेंटेज को मेंटेन रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बहुत तेजी से रिजल्ट पीछे गए हैं, 20-22% के रिजल्ट में डाउनफॉल आया है। अब ऐसे में अपने इस रिजल्ट को मेंटेन करना और सक्सेस गेन करना, आगे जाके अपने करियर का ऑप्शन लेना, ये सब बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया है। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए मैं बताती हूँ, बिफोर द एग्जाम अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी आपको दो तरह से काम करना पड़ेगा। आपको ए से जेड तक की भी तैयारी करनी है और 0 से 9 तक की भी तैयारी करनी है। जब किसी को ये कहा जाता है मेक योर प्लान फ्रॉम ए टू जेड एंड मेक योर प्लान फ्रॉम 0 to 9, दैट मीन्स हर गुंजाइश यूज करनी है, हर तरीके से अपने काम को साउंड प्रूफ, लीक प्रूफ बनाना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ। ए टू जेड में अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक अच्छा परसेंटेज गेन करना है या अपने सेमेस्टर रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है तो अभी भी टाइम है। आप अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक को खोलिए, आपके पास सारे सोर्सेज हैं, अपने क्वेश्चन बैंक खोलिए, अपने सब्जेक्ट्स के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाइए। देखिए अभी भी कई यूनिवर्सिटीज में वो कोविड वाला ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1.5 घंटे का पेपर रहेगा और 50% का वेटेज रहेगा, और आपके जो क्वेश्चन बैंक में जो आपको पैटर्न मिलेगा वो 3 घंटे का और 100 नंबर के पेपर के हिसाब का मिल रहा है। तो इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक जब आप खोलते हैं तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये आइडिया हो जाता है कौन से टॉपिक होते हैं जो स्किप किए जा सकते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही जरूरी रूप से आपको उसे तैयारी करनी ही है। तो अपना क्वेश्चन बैंक देखिए, अपने रिसोर्सेज को यूज कीजिए और सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज को खंगालिए, व्हाट यू हैव द रिसोर्सेज। हमेशा ध्यान रखो आपके रिसोर्सेज, आपके पास कौन कौन से हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके पास में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, तो आप अपने रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर सकते। फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द सोर्सेज एंड रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। इसके लिए फोकस करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे पास क्या तो अच्छी बात और क्या कम बात है। कम बात है, अच्छी बात नहीं है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इसको मेरे को सुधारना है। तो अपने रिसोर्सेज को यूज कीजिए, अपनी रेफरेंस बुक्स को यूज कीजिए। अब मैं रेफरेंस बुक्स की बात कर रही हूँ, मुझे कहते हुए बहुत ज्यादा दुख होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट यूजिंग द बुक्स प्रॉपरली। वो लोग बुक्स नहीं खोल रहे, टेक्स्ट बुक्स नहीं खोल रहे, रेफरेंस बुक्स की तो बात ही दूर है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, हम लोग टेक्स्ट बुक को तो गो थ्रू होते ही होते थे, हम रेफरेंस बुक्स को भी पढ़ते थे, और आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स को ही अभी तरीके से प्रॉपरली खोलते ही नहीं हो, तो रेफरेंस बुक की तो बात ही क्या कहना। पर ये बात पक्की है, आप अपने रिजल्ट्स को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, यू हैव टू गो देयर।
आपको रेफरेंस बुक्स की तरफ भी जाना ही होगा। एक ऑथर का आइडिया किसी एक टॉपिक पे क्या और एक दूसरे ऑथर का उसी टॉपिक पे क्या आइडिया है, अगर आप मिक्स मैच नहीं करेंगे, ढंग से उसको नहीं बताएंगे, तो आपकी मेहनत नजर ही नहीं आएगी। आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी से बेहतरीन कभी बन ही नहीं सकती। जो स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक्स या दूसरे सोर्सेस का यूज करते हैं अपने आंसर्स को लिखते समय, उनकी कॉपी अपने आप दूसरी कॉपियों से अलग हो जाती है। तो अपनी रेफरेंस बुक्स को यूज कीजिए, अपनी टेक्निक टीचर्स की गाइडेंस को यूज कीजिए। आपके टीचर्स आपसे बहुत ज्यादा गुना एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनको सब चीजों का पता होता है। आप उनसे जरा सुनिए तो सही, उनसे सलाह लीजिए तो सही, पर आप लोग तो कभी सुनते ही नहीं है, बात करते ही नहीं है, अपने टीचर से कभी कभी मिलते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता था हमारे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर का नाम क्या है, वो कौन है, कैसा दिखता है। उसी टीचर से जाकर के पूछ रहे होते हैं कि मिस्टर और मिस ये कहाँ है बताइए। इतनी विडंबना है कि बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि आप एज अ स्टूडेंट आपको अपने टीचर्स का पता नहीं है कौन है आपके टीचर्स। तो अपने टीचर्स से गाइडेंस लीजिए, उनसे मिलिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक कि आप अपने रिजल्ट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। टीचर्स की गाइडेंस लेंगे, आप अपने फेवरेट टॉपिक्स को सर्च कीजिए। आपका हर एक का कोई फेवरेट टॉपिक होता है, कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है। आप सबसे पहले खुद से बात तो करो, इंटरप्रेट ही नहीं करते हम, इंटरैक्ट ही नहीं करते अपने आप से, तो हमें क्या मालूम कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है या किस में हमें कमजोरी है। हमें यही नहीं पता होता किस टॉपिक में मैं कंफर्टेबल हूँ। तो कम से कम अपना सेल्फ एनालिसिस करा करो और फेवरेट टॉपिक और फेवरेट सब्जेक्ट्स को पता करा करो। बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या बताऊं, फिर भी कोशिश कर रही हूं आपको बहुत कुछ बताने की। 0 to 9 की अगर स्ट्रेटेजी की बात करूंगी तो एग्जाम से एक हफ्ता पहले आपका जो सोने का रूटीन है, नींद लेने का जो रूटीन है, वो इम्प्रूव किया जाना जरूरी है। आपको साउंड स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक गहरी नींद नहीं लेते हो तो आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, और जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलता, फिजिक को रेस्ट नहीं मिलता, तो आप एक बेहतरीन मेहनत करने के लिए कभी तैयार हो ही नहीं सकते। एक्चुअली वो 3 घंटे का पेपर नहीं होता, वो 3 घंटे के लिए 300 घंटे की तैयारी होती है, और वो 300 घंटे की तैयारी तो आप करते नहीं, और आप कहते हो कि 3 घंटे में मेरे रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो बी ऑनेस्ट, आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, इन्वेस्ट योर हार्ड वर्क। अपनी साउंड स्लीप लीजिए, एक शेड्यूल बनाइए, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। ये जो आधी आधी रात तक सो रहे हैं हम, बहुत गलत आदत है, बहुत रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हो आप अपनी शरीर की, जो हमारी वॉच है, बायो वॉच कहते हैं जिसको, वो डिस्टर्ब कर रहे हो। इस सब का असर क्या आ रहा है, आप रेस्टलेस हो, आप इजी नहीं हो, आप मेंटल पीस नहीं है आपके पास, मेंटल हेल्थ नहीं है आपके पास, और इस वजह से कंसंट्रेशन ब्रेक भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड स्लीप। ये नींद तो 1000 बीमारियों की एक दवा है, अच्छी नींद 1000 बीमारियों की एक दवा है कहा जाता है। अगर आपका नींद अच्छी आती है आपको, आप प्रॉपर नींद देते हैं, टाइम पे सोते, टाइम पे उठते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी ही नहीं, शुरू ही नहीं होंगी। आगे अपने नोट्स बनाइए। मैंने आपको टेक्स्ट बुक्स का, टीचर्स की गाइडेंस का, आपके रेफरेंस बुक्स का, आपके क्वेश्चन बैंक का, इतना सारी चीजों का बात कहा है, इसका असर आएगा। आप अपने नोट्स अगर बनाते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस अलग ही टाइप का होगा, आपका तैयारी अलग ही टाइप की होगी। आप रिवाइज कीजिए, उन चीजों को रिवाइज कीजिए जिन चीजों को आपने पढ़ लिया और आपको लगता है कि इट इज कंसिडरेबल, तो उनको रिवाइज कीजिए। एग्जाम से पहले रिवाइज बहुत जरूरी है। सीनियर्स के एक्सपीरियंस को आप पूछिए, उनके एक्सपीरियंस क्या है, किस पेपर का पैटर्न कैसे बैठता है, किस पेपर के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। अपने सीनियर से इंटरेक्ट कीजिए, अपने टीचर से इंटरेक्ट कीजिए, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा असर होता है। इवन मैं तो एक बात कहती हूँ आपको, पूरी सोसाइटी में अगर अपने आप को साउंड करना है तो मेक योर साउंड नेटवर्किंग। आप अपना मेल जोल का दायरा बढ़ाइए, अपने आप को सोशल बनाइए। ये मोबाइल में अगर अपने आप को फंसा के रखोगे कुछ नहीं होगा, केवल एक वर्चुअल लाइफ जी रहे हो आप, उससे आपकी रियल लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और आज के टाइम पे यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपना मोस्ट ऑफ द वैल्यूएबल टाइम इज एंगेज ऑन द वर्चुअल टूर। वो हमेशा अपने आप को टेक्नो फ्रेंडली बना रहा है, एक वर्चुअल उसमें जा रहा है, आइसोलेट हो रहा है सोसाइटी से, बिहेवियरल नहीं है, सोशल नहीं है, लोगों से बात नहीं करता, लोगों को सुनता नहीं है, सुनाता नहीं है,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सीनियर्स के एक्सपीरियंस पूछिए, अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कीजिए, अपनी बात को कहने का और लिखने का तरीका बदलाव करिए, और अगर आपने इस तरह की तैयारी की तो ऑटोमेटिकली ये सारा तरीका बदल जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अपना एक कंप्लीटनेस लाइए, चीजों को, काम को पूरा करने की आदत डालिए, हर चीज को अधूरा मत छोड़िए। कई लोग होते हैं अपने एक नए नए प्लान बनाते रहेंगे, एक प्लान पूरा नहीं करते, दूसरा नया शुरू कर लेते हैं, फिर तीसरा नया शुरू कर लेते हैं और हर एक को अधूरा छोड़ देते हैं। गलत आदत है, बिल्कुल गलत आदत है। अपनी बात को, अपने काम को पूरा करने की आदत डालिए। ये कुछ ही कह रही हूं मैं, वरना तो ये एन नंबर ऑफ लिस्ट है। ये कुछ ही मैंने आपको बातें बताई है जिसके जरिए आप एग्जाम से पहले अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। आपको एग्जाम के दौरान क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, फिर से रिवाइज कर रही हूँ, आप ये मेरा क्लास अगर आप देखोगे तो ये आज की क्लास आपको सपोर्टिव होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लास हो रही है एक तरीके से। आप अपने एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे कम करोगे, उस चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करोगे, उन सब में ये चीजें भी सपोर्ट करेंगी और वो वीडियो भी इस रिजल्ट को इम्प्रूव करने में आपको सहायता देने वाला है। तो सबसे पहली चीज है, ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को, संतुलित कीजिए, संगठित कीजिए। आप क्या काम करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, ये सारी चीज का पता आपको होना चाहिए। अचानक से कभी नहीं होता, लेट आए, उठे नहीं, बस लेट कर दी, अब भागते दौड़ते आ रहे हैं, सांसे ऊपर नीचे हो रही है और एग्जाम लिखने बैठ गए, कैसे लिख पाएंगे। अगर मेंटल बैलेंस नहीं है तो आप काम करेंगे कैसे। शांत रहिए, कामनेस, मेंटल पीस बहुत जरूरी है, काम रहिए, शांत रहिए, कॉन्फिडेंट अपने आप को एक वादा कीजिए, अपने आप को एक विश्वास दिलाइए कि यस आई कैन डू। अगर आप दिन में 5 बार अपने आप से बोलते हो यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, मैं आपको ईमानदारी से कह रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होता है, आपका लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होती है और आपको बेचैनी कम होती है। ये जो आई कैन डू कहते हैं ना, आई कैन डू से का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। और आप एक बार हल्के से एक वर्ड के जैसा बोलेंगे, सेंटेंस के जैसा बोलेंगे आई कैन डू, दूसरा थोड़ा और तेज बोलिए आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, एक अलग ही आत्मविश्वास आने लग जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ये करके दिखा देते हो। तो ये कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। आप अपने एग्जाम टाइम को एंजॉय कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ आई एम ऑलवेज एंजॉय द एग्जाम टाइम। मुझे हमेशा मजा आता है मेरे एग्जाम को एंजॉय करने में। वो 3 घंटे मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। एंजॉय करने का मतलब मैंने कुछ फनी काम नहीं करना है, पर मैं जो काम करती हूँ उसमें पूरी तरह से डूब जाती हूँ और उसको एंजॉय करती हूँ, उसको आनंद लेती हूँ उस चीज का। तो उसके लिए अगर आपकी तैयारी होती है ना तो आप हमेशा आनंद लेंगे। अगर तैयारी नहीं होती है तो आप दूसरों का मुंह ताक रहे होते हैं और लोगों को लिखते हुए देख करके टेंशन में आ रहे होते हैं, लिख क्या रहे हैं। पर अगर आपको तैयारी है, आपको लिखने की पूरी टाइम मिल रहा है और आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं लिखने में, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता लोग कर क्या रहे हैं। बल्कि मैं तो आनंद लेती थी कि यस आई एम डूइंग, मुझे आता है और आई एम डूइंग। तो एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने उस नॉलेज को जो कि क्वेश्चन में पूछा गया और उससे रिलेट करने में, अपनी उस ताकत को, पूरी ताकत को झोंक डालिए उस आंसर को लिखने में, अपना द बेस्ट डाल दीजिए उसमें, एक्सप्लोर कर लीजिए, अपने आप से कमिट कर लीजिए, अपना वादा कर लीजिए कि यस आई कैन डू, दैट मीन्स आई विल डू एंड आई डू, ये सारी चीज मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैंने कर दिया, ये वाला चीज होनी चाहिए। एंड डू द बेस्ट, अपनी तरफ से सर्वोत्तम दीजिए। हमारी गीता का एक सार है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले इंसान, ये है गीता का ज्ञान। बिल्कुल सही बात है कि आप सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए दूसरों पर, भगवान पर और अपनी तकदीर पर। सब कुछ अच्छा होगा, अगर आपने अच्छा किया तो बहुत ही अच्छा होगा। आप जिस तरह का बीज बोते हो पौधा उसी तरह का फल उसी तरीके का लगता है। अगर आपने अच्छा बोया है, अच्छा काम किया है, तो क्यों नहीं रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आज नहीं आएंगे कल आएंगे। आप कभी भी ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपने ब्लेम करना छोड़ दिया, अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया, आई एश्योर यू आपको कोई रोक ही नहीं सकता सफल होने से। आपके रिजल्ट्स कभी भी खराब हो ही नहीं सकते। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत कुछ बता दिया, समझा दिया, इसके पीछे बहुत कुछ जो नहीं बोली हूँ वो बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करो और अपने रिजल्ट्स को अपने इम्प्रूव कीजिए। अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो ये एक शुरुआत होती है, अपने रिजल्ट्स के जरिए आप अपने आप को प्रूव करते हो और आपके रिजल्ट से ही आपको आपके लेवल को आंका जाता है, उस लेवल के ही हिसाब से लोग आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो ये एक तरीके से बीज है, ये स्टार्टिंग एज है आपके लाइफ के करियर में।
आपके बीज अगर अच्छे होंगे तो आपका करियर अच्छा होगा ही होगा, पर अगर आप ही बीज अच्छा नहीं डाल रहे तो किसी को दोष देने की आप कोई कोशिश मत कीजिए, आप खुद ही अपने दुश्मन है, किसी दुश्मन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कुछ बात तो समझ आई ही होगी, सारी ना भी आए तो कुछ तो आएगी। अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए इस वीडियो को जहन में उतार लीजिए और अपने काम में लग जाइए, अभी भी टाइम है, अभी भी आप रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हो गया उसे छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए, नाउ स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ न्यू लर्निंग विद अ फ्रेश माइंड। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो रेगुलर।